जय हिंद दोस्तों, संसार पुर क्लासे में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रा की बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। और इस ट्रिक के माध्यम से आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को मात्र देखते ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसे हम मात्र 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे होंगे कि एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर दो, और आपको कहा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और आप यहाँ क्या करते हैं, एक्स बराबर एक रखते हैं, एक्स बराबर जैसे ही एक रखते हैं आपसे कहा जाता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और आप यहाँ पर एक्स प्लस एक बटे एक प्लस एक बटे एक बराबर दो रखते हैं और आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो दिया गया है क्या, 3 + 3x + 1/3x = 2। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 3x + 1/3x। तो आपने x माना था, लेकिन अब क्या मानेंगे, 3x = 1 मानेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग 3x = 1 मानेंगे, आपको क्या करना होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 1/3। क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे 1/3। और करेंगे क्या, यहाँ से x की वैल्यू तो निकल आई, और हमें निकालना क्या, देखिए 1/x, तो 1/x अगर निकालेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी, 3 निकल के आएगी। इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, ठीक है। और चलिए हम क्या करेंगे, इसमें इसी का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे 3 × 1/x की वैल्यू क्या दी गई है, 3, और 3 की पावर कितना है, 4 प्लस 1/3, यहाँ पर 3 है, ठीक है, पावर 5, 3 की पावर 5। अब आगे देखिए, ये 4 और 1, ये कितना हो गया, 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। अब ये कितने हो गए, ये हो गए 1, 2, 3, यानी 3 × 3 की पावर 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए 3 और 1, ये कितना हो गया, 6, यानी 3 की पावर क्या रखेंगे, 6, और आपको पता ऊपर रूट लगा हुआ है, और जितने हैं उससे आधे निकल गए हैं, यानी कि 3 की पावर 3, ठीक है। और आपको पता इसका मान कितना होता है, 27। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस तरह का एक जबरदस्त क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया, यदि x² + 1 = 2x हो तो x² + 4 + 1/x² - 3x + 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें ये कंडीशन दी गई है, ठीक है, और हम x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाए। तो हम यहाँ से कहेंगे x = 1 रखिए, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर और +1 = 2 × 1, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 = 2 = 2, यानी हम x = 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना, 1 रख देना है। तो 1 की पावर 4 1 हो जाएगा 1/1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - 3 × 1 + 1, ठीक है। आगे देखिए 1 + 1 हो जाएगा, और 1 - 3 = 3, और ये हो जाएगा +2, ऊपर आ जाएगा 1, 1, 2, नीचे 2, ये 1 है, ठीक है, और 1 और 1, 2, 2 में से 2 - 3 से 2 जाएगा तो -1, यानी आ जाएगा कितना, -2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन और हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, पहली बार हमें दिख रहा है हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो घबराने का नहीं दोस्तों, इसकी भी सेम टू सेम वही तरीका है। देखिए हमें क्या करना है, x + 1/x, ये माइनस में उस पार जाएगा प्लस में, और -4 + 6
और हो जाएगा एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर दो। ठीक, मिल गई वही कंडीशन, यानी हम x बराबर अब अगर हम एक रखते हैं तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, यानी x की वैल्यू में क्या रखना है, एक रखना है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक की पावर 1934 रख देंगे। ठीक है, कितना रख दें, कोई भी पावर रख दें, आएगा तो एक ही, और माइनस एक बटे एक प्लस एक माइनस एक बटे एक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक, और ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना, जीरो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में हमें टफ लग रहा लेकिन आसान था। ठीक है, चलिए हम अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत देर से इस क्वेश्चन का इंतजार था। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि x प्लस एक बटे एक्स बराबर माइनस दो, तो x की पावर p प्लस x की पावर q का मान क्या होगा, जहाँ p बराबर सम संख्या और q बराबर विषम संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर हम क्या रखेंगे, माइनस का एक रखेंगे, तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, देखिए माइनस एक प्लस एक बटे माइनस एक। ठीक है, तो माइनस एक और ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक, तो कितना आ जाएगा, माइनस का दो। ठीक है, और ये हमें चाहिए था, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या रखना होगा, माइनस का एक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं, माइनस वन की पावर p माइनस वन की पावर q। ठीक है, अब यहाँ पर पेन रोल है, देखिए आपको पता है कि माइनस वन का अगर घात सम है तो वह धन का आ जाता है। ठीक है, प्लस और अगर घात विषम है तो माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का वन प्लस का वन कट के क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है दोस्तों, और आशा करते हैं हमारी दी हुई ट्रिक आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।